morning, students. Now we are discussing ratio of curved surface. Now today we discuss third example. A hollow cone is placed with its vertex upward on a horizontal table, and liquid is poured in through a small hole in the vertex. If the cone begins to rise, means level of liquid begins to rise. When the weight of liquid poured is equal to its own weight, prove that its weight, the weight of liquid required to fill the cone, R is in this ratio. क्या प्रूव करना है आपको? वेट टू द वेट ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड टू फिल द कोन, R is in this ratio. तो देखो फिगर देखो. Now, this is a vertical cone which is placed on a horizontal table. O is the vertex of the cone and alpha here, this angle alpha is the semi-vertical angle of the cone. H is the height of the cone. Now liquid is poured into it from a point O, and up to the height H minus H dash liquid is poured in the cone. The total height H, or ये जो height है, this height is H minus H dash, because this height is again H dash. इसे हमने नोट किया ये जो height है. तो ये जो height है, remaining height ये कितनी होगी? H minus H dash. इस level तक जो liquid है वो fill किया गया है इस cone में. Now we are calculating the vertical thrust upward of the liquid on the cone. Now vertical thrust of the liquid on the cone, because liquid jo hai, which is in contact of the surface but below the surface, so jo thrust lagega is in acts in upward direction, and this is equal to weight of the superincumbent liquid. And weight of the superincumbent liquid kiske equal hoga? Humne kya consider karna hai usme? Ek cylinder, but ek imaginary cylinder. हमने कंसीडर किया, तो वॉल्यूम या आप वेट बोल सकते हो, वेट ऑफ द दिस सिलेंडर माइनस वेट ऑफ द कोन, तो वो किसका आ जाएगा? वेट ऑफ द सुपर इनकमबेंट लिक्विड. जो ये पोर्शन है इसका क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द सुपर इनकमबेंट लिक्विड. मींस आपको क्या करना है, सिलेंडर के वेट में से वॉल्यूम के वेट को आपने सब्ट्रैक्ट, वॉल्यूम नहीं बल्कि ये क्या है एक्चुअली में, थ्रस्ट टर्म है. मींस ये ए बी टी डी थ्रस्ट टर्म के वेट को आपने सब्ट्रैक्ट करना. थ्रस्ट टर्म का वॉल्यूम निकालना हमने लास्ट सेक्शन डिस्कस किया था, कैसे निकालते हैं. वेट जो है उसका सिलेंडर का वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको वॉल्यूम पता है सिलेंडर का, वॉल्यूम इनटू रो जी, वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा. तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द थ्रस्ट टर्म. ठीक है, ये जस्ट हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया है, वैल्यूज पुट की, यहाँ से बी सी जी ई की वैल्यू. या आप देखो ट्राइंगल्स बन रही है, इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, आप ये सोल्व कर सकते हो. ये सोल्व करके हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. नाउ कोन बिगिंस टू राइज व्हेन, जब वो क्या कह रहे हैं, the cone begins to rise when, kab wo rise karna start karta hai means level, when weight of the liquid poured is equal to its own weight. According to given condition, weight of cone kiske equal hai? Weight of the liquid poured ke equal hai. Aur weight of cone, cone ka weight kiske equal hoga? Upward vertical thrust on the cone surface. Theek hai, aur according to given condition humne yahan laga diya weight of cone is equal to weight of the liquid poured, but weight at liquid poured is, जो हमने लिक्विड पोर किया उसका वेट किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन OAB माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन, मींस जो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा इससे आपको, तो मींस हमने सब्ट्रैक्ट किया इनटू रो जी, तो आपके पास क्या आ गया? पाई बाय 3 टेन स्क्वायर अल्फा एच क्यूब माइनस एच क्यूब डैश रो. ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इन रू, ये वैल्यूज जो है आपने इक्वेशन 1 एंड 3 से जो वैल्यूज है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. पुट करोगे आप, फिर उसको सोल्व करना है. सोल्व करके आपने क्या फाइंड आउट किया, हमने यहाँ से एच डैश दो वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव वैल्यू को हमने रिजेक्ट किया, क्योंकि जो लेंथ है साइड है वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लिक्विड पोर इन टू द वेट ऑफ कोन व्हेन फुल ऑफ लिक्विड. ठीक है, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम दोनों चीज, फॉर्मूले निकाल चुके हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ होलो कोन फिल्ड विद वॉटर एंड क्लोज्ड is held with its axis horizontal. इसको हमने कैसे held किया हुआ है? Horizontal axis के थ्रू. Find the, means ये horizontal. Find the resultant vertical pressure on the upper half and lower half of its curved surface. Upper half पे और lower half पे हमें दोनों पे resultant vertical thrust pressure जो है या vertical thrust जो हमें calculate करना है. इसके लिए जैसे आप हर question में calculate करने के लिए आप cylinder complete करते थे, लेकिन यहाँ जो है क्योंकि ये आपका जो horizontal form में है, तो यहाँ इसको complete करने के लिए हम prism कंसिडर करेंगे. तो इमेजनरी हमारा फिगर रहेगी, वो प्रिज्म रहेगी. नाउ लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन. कोन के
the height h radius r. Now resultant particle thrust upward on the upper half of the curved surface, क्योंकि अगर हम upper half से निकाल रहे हैं तो जो आपका लिक्विड है वो इसके डाउनवर्ड है, नीचे है, तो लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो अपर डायरेक्शन में लगेगा. और अगर हम लोअर लेवल पे मीन्स लोअर हाफ ऑफ द कर्व्ड सरफेस पे निकालेंगे तो लिक्विड फील है वो उसके ऊपर फील है, तो जो वो प्रेशर लगाएगा, जो थ्रस्ट लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, तो आपको पता है वर्टिकल थ्रस्ट जो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड. और यहाँ वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड क्या होगा, वेट ऑफ द वॉटर इन ब्रिज माइनस वेट ऑफ द वॉटर इन कोन. ठीक, अब वेट क्या है, रो जी इनटू वॉल्यूम. और जो एक्चुअल में जो ये प्रिज्म है वो यहाँ क्या बन लगेगी, दिखेगी आपको एक ट्राइंगल. तो यहाँ आप ट्राइंगल देख रहे हो ए ई एफ, ये देखो ये ट्राइंगल ए ई एफ माइनस इसका एरिया इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए साथ में क्या आ गया, ये बी ओ माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन. और एक्चुअल में जो कोन है वो सेमी कोन यूज होती है, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन यूज हो रहा है, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन रिजल्ट कराना है. अब जब नीचे लोअर हाफ पे कैलकुलेट करोगे तो वर्टिकल थ्रस्ट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वो इक्वल तो किसके होगा, वही वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड. तो यहाँ वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ वॉटर इन प्रिज्म प्लस वेट ऑफ वॉटर इन हाफ ऑफ द कोन. तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी. ठीक है, क्लियर हो गया ये. बाकी आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप तो कर ही सकते हो, बाकी का काम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.